Hello friends, welcome to Knowvation. I'm Shantanu and I bring to you a very important session on static GK in which we will focus on Indian culture. जिसमें हम डांस फॉर्म, म्यूजिक फेस्टिवल्स और जो नॉर्मल फेस्टिवल्स होते हैं कई स्टेट्स पे, उनके स्टेट्स के उनको उन पर फोकस करेंगे. सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच टिल दी एंड और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा. इसमें ऑलमोस्ट हम 30-50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. ओके गाइज, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं क्वेश्चन के साथ बताऊँगा. सो लेट स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया आर. सो गाइज, हमारे यहाँ पर कितने वैलिड क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में, वो हैं गाइज नंबर 8. सो गाइज, आंसर इज डी 8. लेट्स नो सम पॉइंट्स टू नो. सो गाइज, PTN जिनको मैं बोलता हूँ, द संगीत नाटक अकेडमी करंटली कन्फर्स क्लासिकल स्टेटस ऑन 8 इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम एंड सत्रिया. सो गाइज, ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म हैं जो मान्य हैं हमारे देश में. ओके गाइज, सो याद रखिएगा कितने क्लासिकल फॉर्म्स होते हैं हमारे यहाँ पे, डांस फॉर्म्स 8. द नेम ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल लिटरली मीन्स स्टोरी टेलिंग. सो गाइज, स्टोरी टेलिंग जो है वो कौन से डांस फॉर्म का लिटरल मीनिंग है? सो गाइज, वो है कथक. मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं भी पता है, फिर भी आप वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज. कथक यानी कुछ कहना, कथन, है ना. सो यू नो दिस कैन बी डन. सो कथक मीन्स स्टोरी टेलिंग. लेट्स सी सम PTNs. कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. द वर्ड कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा मीनिंग स्टोरी टेलिंग. जैसे मैंने आपको बताया गाइज, कथक कौन से वर्ड से बना है? कथा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. गाइज, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ, कौन से स्टेट में मनाया जाता है गाइज? ये मनाया जाता है नागालैंड में. सो आवर आंसर इज नागालैंड. लेट्स सी सम PTNs. दिस फेस्टिवल यूजुअली टेक्स प्लेस बिटवीन 1 and 7 डिसंबर एवरी ईयर इन कोहिमा, विच शोकेसेस द कल्चर ऑफ नागालैंड. सो गाइज, कोहिमा में मनाया जाता है ये 1 से 7 दिसंबर तक. ओके गाइज, सो डू रिमेंबर इट. सत्रिया इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट. सो गाइज, हमने देखा था ये क्लासिकल डांस फॉर्म है अभी, वन ऑफ द 8. गाइज, ये कहाँ का डांस फॉर्म है? इट इज़ ऑफ असम. सो आवर आंसर इज असम. लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. इट इज़ अ डांस ड्रामा परफॉर्मेंस आर्ट विच ओरिजिन्स इन द कृष्णा सेंटर्ड वैष्णविज्म मोनेस्ट्रीज ऑफ असम. सो गाइज, ये बात भी आप याद रख सकते हैं, इट इज़ अबाउट कृष्णा सेंटर्ड वैष्णविज्म. ओके गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन विच सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. सो गाइज, एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन राजस्थान के हैं, तो आंसर राजस्थान ही होगा. सो उसमें सिटी कौन सी है? इट इज़ जयपुर. जयपुर में मनाया जाता है ये. इसके बारे में कुछ जानते हैं. एलिफेंट फेस्टिवल इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जयपुर सिटी इन राजस्थान स्टेट इन इंडिया. इट इज़ हेल्ड ऑन द डे ऑफ होली फेस्टिवल, यूजुअली इन द मंथ ऑफ मार्च. सो गाइज, जिस दिन होली होती है ना, उसी दिन इस फेस्टिवल को भी मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ मार्च. सो आप याद रखिए इसको, होली से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज द पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश. गाइज, उत्तर प्रदेश का पॉपुलर फोक सॉन्ग कौन सा है गाइज? ये आपको पता होना चाहिए, इट इज कजरी. इसके बारे में कुछ जानते हैं PTNs. द वर्ड कजरी इज पॉसिबली अ डेरिवेटिव ऑफ काजल मीनिंग कोहल और ब्लैक. कजरी संग इन ऑल ओवर UP. पूरे UP में गाइज ये गाना गाया जाता है, ये फोक सॉन्ग. एंड मिर्ज़ापुर इज कंसिडर्ड द रियल होम ऑफ कजरी. तो गाइज, आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है, किस सिटी से, सो इट इज़ इन मिर्ज़ापुर ऑफ UP. विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर किकली डांस फॉर्म. सो गाइज, ये डांस फॉर्म कहाँ का फेमस है? इट इज़ ऑफ पंजाब. और अगर हरियाणा होता पंजाब की जगह, तो ये हरियाणा भी इसका आंसर हो सकता था. और इसके बारे में PTN जानते हैं. किकली इज नॉर्मली परफॉर्म बाई 2 गर्ल्स होल्डिंग हैंड्स एंड टर्निंग ईच अदर इन सर्कल्स एंड बैलेंसिंग द पोजिशन इन सर्कुलर मोशन. तो गाइज, आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? इट इज़ लाइक फुगड़ी. अगर आपने बचपन में खेला होगा तो आपको ये चीज़ याद होगी. तो ये किकली इज सिमिलर टू फुगड़ी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. कथकली इज अ डांस फॉर्म प्रिवेलेंट इन विच स्टेट. सो गाइज, दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप लोग इसका आंसर पता होना चाहिए. इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ केरला. इसके बारे में PTN तो नॉर्मल यही है गाइज, कि इट इज ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल हैव बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर. सो गाइज, कौन से फेस्टिवल का है ये स्पेशल फीचर? इट इज़ ऑफ ओणम. ओणम में ये बोट रेस का इनॉग्रेशन, बोट रेस होती है. लेट्स सी सम PTNs.
Onam is an annual Hindu holiday and festival which origin in the state of Kerala in India. Vallam Kali is a traditional boat race in Kerala conducted during the season of harvest festival Onam. So guys, boat race ko kya bole jaate hain? Vallam Kali. It is a traditional boat race. Aur kab hoti hai? Harvest festival of Onam mein. So aap Onam ke baare mein yaad rakhiyega aur boat race ke baare mein yaad rakhiyega. Which state of India is famous for Rauf dance form? Guys, Rauf dance form कहाँ का फेमस है? It is for जम्मू एंड कश्मीर. इसके बारे में जानते हैं. The Rauf is a folk dance form which is mainly practiced by women folk of Kashmir Valley. So mainly females इसको practice करती हैं. So guys, ये याद रखिएगा आप. Find the wrong combination of states and the main festivals celebrated. So guys, हमको wrong combination ढूंढना है state और उनके जो festivals होते हैं उसका. So guys, Rajasthan and Gangaur is correct. Uttar Pradesh में कृष्ण जन्माष्टमी also correct. महाराष्ट्र में भी गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो इट इज़ करेक्ट. बट गुजरात, सो गाइस आवर आंसर इज दिस. गुजरात का मेन फेस्टिवल दुर्गा पूजा नहीं है, भले वहाँ मनाया जाता है बट मेन फेस्टिवल दुर्गा पूजा नहीं है. सो दुर्गा पूजा कहाँ का मेन फेस्टिवल है, आइए जानते हैं. PTN, दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड फॉर गुजरात इट इज नवरात्रि. ठीक है गाइस, तो गुजरात में अगर नवरात्रि उसके सामने लिखा होता तो सही होता. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Which of these is an important music festival of Rajasthan? भाई music festival के बारे में भी जानना important है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है. So guys, राजस्थान का famous music festival कौन सा है? It is magnetic fields. देखते हैं इसके बारे में PTN. Magnetic fields music festival consists of 3 days of music, art, food and magic. So guys, ये सारी चीज़ें उस music festival में होती हैं, तो आप याद रखिएगा इसका नाम. और please guys, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको प्लीज़ नोट करते रहिए, क्योंकि मुझे मतलब लगता है कि इतनी जल्दी चीज़ें याद नहीं होती जब तक हम उनको रिवाइज ना करें. सो प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज नेम्ड आफ्टर द विलेज इट वॉज बॉर्न फ्रॉम? सो गाइस, कौन सा डांस फॉर्म है जो विलेज के नाम पर ही उसका नाम रख दिया गया है? तो इट इज़ द आंसर इज गाइस करेक्ट आंसर इज कुचिपुड़ी. कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है उसका नाम उसके विलेज के ऊपर ही रखा गया है. सो आवर करेक्ट आंसर इज कुचिपुड़ी. द PTN, कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन अ विलेज नेम कुचिपुड़ी इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. सो गाइस, एक चीज़ और क्लियर हो गई, कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? आंध्र प्रदेश का. और विलेज का नाम क्या है? कुचिपुड़ी ही उसका नाम था विलेज का. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ आप इसको याद रखिए. द इंडियन कम्युनिटी विच सेलिब्रेट्स द खोरदार साल. सो गाइस, खोरदार साल एक फेस्टिवल होता है, तो ये कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है दोस्तों? ये करती है पारसी. पारसी कम्युनिटी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है. जानते हैं इसके बारे में. खोरदार साल इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज़ोरोएस्टर. सो गाइज, पारसी लोग जानते होंगे उनके भगवान. और ज़ोरोएस्ट्रियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली द पारसीज ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द डे इन ग्रेट ग्लैमर. ऑन कब मनाया जाता है? 23 जुलाई हर साल इसलिए मनाया जाता है. द क्लासिकल डांस फॉर्म मोहिनी अट्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो गाइज, मोहिनी अट्टम भी कहाँ को बिलोंग करता है गाइज? ये बिलोंग करता है केरला को. कथकली भी केरला का है, मोहिनीअट्टम भी केरला का है. दोनों क्लासिकल डांस फॉर्म है, दोनों आप याद रखिएगा. इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जलीकट्टू इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो गाइस, मैं इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है. तो जलीकट्टू कॉन्ट्रोवर्शियल है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. सो गाइस, ये मनाया जाता है मेनली तमिलनाडु में. इसके बारे में जानते हैं. जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विद पोंगल. सो गाइस, कौन से फेस्टिवल से एसोसिएटेड है? कब खेला जाता है ये खेल? पोंगल पर. ऑन 7th May 2014 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैंड जलीकट्टू ऑल टुगेदर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बुल्स. सो गाइस, इस फेस्टिवल में मतलब बुल्स को हार्म पहुंचाया जाता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था 2014 में. बट अभी भी कुछ रायट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, जिस कारण से अभी भी ये कॉन्ट्रोवर्शियल प्रैक्टिस जारी है. ओके गाइस, महिंद्रा ब्लूज इज अ म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? सो गाइस, महिंद्रा ब्लूज इज ऑफ महाराष्ट्र. ये मुंबई में सेलिब्रेट होता है, म्यूजिक फेस्टिवल होता है. दिस इज हेल्ड इन मुंबई एवरी फेब्रुवरी. हर फेब्रुवरी में मुंबई में होता है ये. लुसुंग इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विच इज सेलिब्रेटेड इन? गाइस, लुसुंग कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? सिक्किम में. आइए इसके बारे में PTN जानते हैं. लुसुंग इज अ सिक्किमीज न्यू ईयर. सो गाइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
सिक्किम में इसको एज अ न्यू ईयर भी ट्रीट किया जाता है. ऑफ द भुटिया ट्राइब सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. डिसम्बर में इसको सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फेमस इन तमिलनाडु. गाइस तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म आप लोगों को पता होगा, इट इज भरतनाट्यम. भरतनाट्यम ऑल्सो हिस्टोरिकली कॉल्ड एज सदर. सो गाइज अगर आपको ऑप्शन में सदर हो तो भी आंसर सही होगा. इज अ मेजर जॉनरा ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस दैट ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु. सो गाइज टू रिमेंबर, भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु. फाइंड द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स एंड द म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. सो गाइज आपको ढूंढना है कि कौन सा गलत है. सो गाइज गोवा में सनबर्न होता है, आपको पता होगा, इट इज़ राइट. महाराष्ट्र में एनचैंटेड वैली होता है, इट इज़ राइट. ओके कर्नाटका में स्केप नहीं होता है, तो हमारा आंसर है सी. और न्यू दिल्ली में रंग होता है, तो इट इज़ राइट. आइए कुछ पीटीएम जानते हैं कर्नाटका और स्केप के बारे में. एस्केप इज़ द म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड. गाइज ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. और फायर फ्लाइज इज़ द म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ बैंगलोर कर्नाटका. कर्नाटका का म्यूजिक फेस्टिवल अगर पूछें तो इट इज फायर फ्लाइज. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द डांस फॉर्म बिहू इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट. सो गाइस बिहू कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद असम. द बिहू डांस इज एन इंडिजीनियस फोक डांस फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ असम रिलेटेड टू द बिहू फेस्टिवल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ असमी कल्चर. सो गाइस ये फेस्टिवल से रिलेटेड है डांस फॉर्म. The International Kite Festival in Gujarat is held in the month of. So guys, International Kite Festival Gujarat में कौन से month में मनाया जाता है अगर पूछे तो? It is celebrated in January. Let's see some PTN. It is also called Uttrayan. So guys, क्या कहते हैं इस festival को? Uttrayan. इसको माफ कीजिएगा दोस्तों. It is celebrated all across Gujarat from 6 to 13 Jan. So guys, do remember it, okay? The music festival. पुरवंकरा इज एसोसिएटेड टू विच सिटी. सो गाइस पुरवंकरा जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो बैंगलोर में होता है. ओके गाइस टू रिमेंबर इट. इट इज़ अ टू डे म्यूजिकल एक्सपीरियंस इन द हार्ट ऑफ बैंगलोर. सो गाइस दो दिन का फेस्टिवल है और ये कहाँ होता है? बैंगलोर में. छाऊ इज द फेमस डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद विच स्टेट. सो गाइस ये जो डांस फॉर्म है ये प्रेविलेंट है वेस्ट बंगाल में. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, it is a 800 year old dance form which is being kept alive in West Bengal. Which of the following cities is famous for chinkari work? So guys ye jo chinkari work hai wo kya hota hai? It's a traditional art of embroidery. Ye kahan ka famous hai, kaun si city ke liye famous hai? It is from Lucknow, UP. Let's see some PTN. Lucknow in Uttar Pradesh is the center of chinkari, a skill more than 200 year old. Literally, it means embroidery. So guys, इस word का अर्थ भी embroidery ही होता है. बर्दोशाम is the famous dance form of which of the following state? Guys, this is an important question. अभी किसी exam में पूछा है, इसलिए मैं आपको focus कर रहा हूँ. It is of Arunachal Pradesh. बर्दोशाम is a folk dance of Sherdukpens, a small community of West Kamen district of Arunachal Pradesh. And बर्दोशाम is based on the stories of good and evil. सो गाइज गुड अच्छाई और बुराई पे बेस्ड रहता है ये. लेट्स मूव फॉरवर्ड. लुम्बिनी फेस्टिवल इज अ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. सो गाइज लुम्बिनी फेस्टिवल मनाया जाता है मेनली आंध्र प्रदेश में. इसके बारे में पीटीएम जान लेते हैं. द लुम्बिनी फेस्टिवल इन आंध्र प्रदेश इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू रिलीव द हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म. सो गाइज बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये फेस्टिवल. ओके गाइज इट इज सेलिब्रेटेड इन नागार्जुन सागर. सो आप याद रखिएगा इसको. ओके गाइज The next question is, Bharatanatyam is a folk dance of which state? So guys, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे. This is your assignment question. Please आप मुझे comment box में इसका आंसर type करके बताइए. Okay guys? So guys, thank you so much for watching. I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा. हमने कई सारे questions practice करे हैं, उनसे related कई सारे points भी discuss करे हैं. तो आप लोग please इसके notes ज़रूर बना लीजिएगा और please keep revising. एंड जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल सो दैट मैं और ज़्यादा ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ. सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.